हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2023 ई एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करें, उस प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जाएंगे तो आपके सामने पोर्टल आ जाए, इसमें सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2023 है। दो ऑप्शन है आपके पास, बाय रजिस्ट्रेशन आईडी और बाय रोल नंबर। रोल नंबर आपके पास है तो ही आप रोल नंबर डालिए, और नहीं तो आप बाय रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन आईडी डालते ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, जो आपका सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए प्रवेश पत्र है। और यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 28 मई 2023 बताई गई है। यहाँ पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका पहचान आईडी और आपके फादर का नाम, पिता का नाम, सेंटर है वो कहाँ है और जो समय सारणी वो भी आपके सामने आ जाएगी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आपका कितने संभव है। उसका निर्देश दिए हुए हैं कि ई प्रवेश पत्र, प्रिंट आउट, फोटो, पहचान पत्र और क्रम ऊपर अंकित है वो ब्लैक बोल पॉइंट सहित प्रत्येक सत्र में आपको साथ लेना है। ई प्रवेश पत्र आपके अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक संभाल के आपको रखना है। उसके बाद आपकी परीक्षा स्थल पर आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है, नहीं तो आपका गेट बंद हो जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी निर्देश आपको दिए हुए हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के अनुसार ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक आप जांच कर लीजिए, और जिसमें आपकी जो भी आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी है वो सब इसमें सही है कि नहीं है। नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग में आप इसको उनके ध्यान में लाइए और ई प्रवेश पत्र प्रिंटआउट लेके जाइए। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि 10 मिनट पहले आपको सेंटर पर पहुँचना है, ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस तरह आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट raijinggyan.com पर भी सर्च कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।